तो हम चल पड़े थे अपने नेक्स्ट ब्रेकफास्ट पॉइंट की तरफ, बट हमें ये नहीं पता था कि आगे जाके कुछ बाइक में प्रॉब्लम भी हो जाएंगी। बट देखते हैं अब हुआ क्या आगे और हमने उसको कैसे किया टैकल और क्यों हुआ था वो डिले। ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं। चटनी नहीं है? चटनी नहीं है, कोई बात नहीं यार, मैनेज करना पड़ता। डोसा खाएंगे ना फ्रेश? डोसा पक्का खाएंगे। हाँ देखो डोसे का साइज़ देखो भाई, ये है डोसे का साइज़, फ्रेश डोसा। ब्रेकफास्ट फाइनली, दो बाइक्स हम लोगों के तो थोड़े पीछे रह गए हैं, एक उनमें से पंचर था तो शायद वो पंचर के लिए रुके हैं। तो हमने सोचा कार ले ली हम, तब तक ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं तो टाइम बचेगा। तो दिस इज़ अ टिपिकल शॉप विच वी आर हेयर फॉर ब्रेकफास्ट राइट नाउ। अब थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, बिकॉज आगे फिर सारा जो है हिल टेरेन है। तो इससे पहले बाइक भी थोड़े चेक हो गए और जो पंचर वगैरह किसने एयर चेक कराना था, फ्यूलिंग करानी थी, वो सब हो चुका है। बट जो हमारा एक बाइक है जो पंचर हो गया वो उसका वो देता। ब्रेकफास्ट पॉइंट के बाद हम लोग मूव कर गए थे आगे, पर थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि जो बाइक रिपेयर के लिए थे वो अभी भी नहीं पहुंचे हैं हमारे पास, और वो फिर पीछे रह गए थे क्योंकि उन्होंने एक टर्न गलत ले लिया था। आर ट्रेलिंग बिहाइंड, वन इज आर डोमिनार एंड फ्यू इंटरसेप्टर्स, वी वेटिंग फॉर देम। एंड उतनी देर में ये भी हो जाता है कि अभी यू टेक अ ब्रेक, अभी थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं, तो राइड पे भी स्ट्रेस नहीं रहता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर राइडिंग इन अ ग्रुप आपको इकट्ठे ही रहना है, और दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वुड से। सो ये खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट करने के बाद ये पॉइंट बन गया हमारे लिए एक और स्टॉप पॉइंट, जहाँ पे हम लोगों ने खूब सारी फोटोग्राफ्स ली, मस्ती की और थोड़ा फिर रिलैक्स करने लगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग स्टार्ट कर दिए अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, दैट वाज बेस ऑफ होली हिल्स। होली हिल्स अब यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर रहे हैं, मतलब अभी कुछ खाएंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेंगे, उसके बाद लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द हिल टॉप। कहाँ जा रहे हो यार? अभी संन्यास, अभी संन्यास मत लो, पानी चाहिए भाई सामने। सो नाउ वी स्टार्टेड टुवर्ड्स कोली हिल, अब आने वाले थे हेयर पिन बेंड्स जिसका सबको इंतजार था। सामने एक ब्यूटीफुल राइड जिसके लिए हम सब कुछ सब लोग वेट कर रहे थे। डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें हमने इनकाउंटर की, किसके पास नियर मिसेज थे। सेंसिबल ड्राइविंग, कुछ लोग बाइकर्स को देख के बहुत ही अच्छे से साइड देते हैं और हमें ओवरटेक करने का चांस देते हैं। एंड दिस वाज एग्जांपल कि हमें ये जो ड्राइवर था आगे एक महिंद्रा की क्वांटो में गिव अस अ साइड एंड वी पास बाय।
आता है थोड़ा कभी कभी मुश्किल, और हम वेट कर रहे थे अपने राइट मोमेंट का कि हमें कब जगह मिलेगी, क्योंकि जगह कम है, ये हेयरपिन बेंड्स हैं, और पेशेंस से हमें वेट करना होगा कि जब बस हमें साइड देगी तब हम पास करेंगे। और फाइनली वो मोमेंट आ गया एंड वी कुड पास बाय द बस, और बस ड्राइवर ने भी ये सोचा होगा कि इतना बड़ा राइडिंग ग्रुप है, हम इसको जाने दें। सो फाइनली पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर, अगाया गंगाई फॉल्स, जो कि था तमिलनाडु में कोली हिल्स में। और इसी फॉल्स को जाने के लिए हम लोग ये इतने सारे हेयरपिन बेंड्स कवर करके पहुंचे थे। तो अब आगे हुआ क्या कि कुछ लोगों ने चूज़ किया कि वो लोग बाइक के पास ही रहेंगे, कुछ लोगों ने चूज़ किया कि वो अगाया गंगाई फॉल्स जाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड अहेड, क्योंकि एक था अगाया गंगाई फॉल्स तक पहुँचने का चैलेंज। जब वहाँ पहुँच के पता लगा कि 1000 steps हमें नीचे क्लाइम करना है, नीचे उतरना है अगाया गंगाई फॉल्स तक जाने के लिए, तो सब सोच में पड़ गए कि कौन कौन लोग जाना चाहते हैं। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग बाइक के साथ रहेंगे और गियर्स को गार्ड करेंगे, और मीनवाइल तब तक अपना लंच खत्म कर लेंगे। तो हम लोग आ गए हैं अब अपने फॉल्स पे, तो एंट्री भी है यहाँ पर, सो वी गॉट दी एंट्री भी राइट नाउ, एंड 8 ऑफ अस विल बी गोइंग। रेस्ट हमारे फ्रेंड्स जो है वो गार्ड कर रहे हैं हमारा गियर। ओके, हमें जाने का पहला मौका दिया गया है, देखो। Oh, that's beautiful. So, guys, see behind me. अभिनंदन को छोड़ के सबके लिए लिया गया है। मैं तो ऐसे भी घुस गया। हाँ, तुम तो बिना टिकट एंट्री होते हो हर जगह। बोलो। जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। अभिनंदन जी माता के भक्त हो चुके हैं। ऐसा ही लग रहा है, कटरा वटरा जा रहा हूँ। अरे सही, काफी ग्रीनरी है, अच्छा लग रहा है। भूख भी लग रही है। हाँ, भूख तो जबरदस्त लगी है। भयंकर। सारे के सारे। चलो सारे वीडियो में खा रहा हूँ। खाते रहो, खाते रहो। गायब होने वाली थी थोड़ी देर में, क्योंकि 1000 steps चढ़ना वापस तो दूर की बात, हमारे से उतरना भी मुश्किल हो रहा था 1000 steps। बट उससे पहले डिसीजन लेना था कि हमने 1000 steps क्लाइंब नीचे करने हैं और जाना है फॉल्स तक कि नहीं, और उस पर हुआ हम लोग का डिस्कशन। सब एक टाइम पे सब ग्रुप ने डिसएग्री कर दिया कि हम नीचे नहीं जाएंगे, वी विल रिटर्न फ्रॉम दी हाफ वे। बट एक कहते हैं ना, मोटिवेटर जब आपके साथ होता है तो सारे ग्रुप का डायरेक्शन बदल जाता है। तो एक मोटिवेटर हमारे साथ था, उसने हमें मोटिवेट किया और सारे ग्रुप का डायरेक्शन बदल गया कि हम 1000 steps नीचे उतरेंगे और फिर फॉल्स तक जाएंगे और वापस 1000 steps क्लाइम करेंगे। क्लाइम डाउन था और हम ये सब सोच रहे हैं कि 1000 steps ऊपर भी चढ़ने हैं। सो बट ये लग रहा है कि ये 1000 steps की जो कुर्बानी ली है ये सब वसूल है। वापस 1000 steps कंप्लीट करते करते और वापस चढ़ते चढ़ते इतना बुरी तरह थक गए थे सब कि हिम्मत बची नहीं थी कोई फोटो लेने की या वी ब्लॉग करने की। तो जो भी अपडेट था वो था ये, और 1000 steps कवर करने के बाद कैसा फील कर रहे हैं सारे लोग?
लगा कि अभी सो के उठे हैं फिर से पवित्र हो गए आप सब लोग। मेरा तो लोग तो पूरा पवित्र हो गया, सब पवित्र हो गए सब। हजार हजार सीढ़ियां चढ़ के वापस आए, ये हालत है हमारी, सब मरे पड़े हैं। हजार सीढ़ी चढ़ने के लिए चढ़ लिए हैं, चढ़ लिए हैं। यस बोलो सर, हजार सीढ़ी चढ़ने के बाद पड़ोसी को भी बुलाओ। पड़ोसी जी सर, आप तो हजार चढ़े नहीं, खुश हो तभी। हजार चढ़ने के बाद सर व्हाट पॉइंट हैज इट, व्हाट पॉइंट केम बैक सर, नंबर सर ने हमारे टिक्का लगा दिया, देखो दिख नहीं रहा वैसे, हाँ अब दिख रहा है। देखो हजार सीढ़ी चढ़ने के बाद त्वचा कितनी नरम हो गई है, सारी गंदगी निकल गई है मुहासे, देखो मुहासे खत्म हो गए है ना, सारी गंदगी निकल गई है मुहासे खत्म हो गए, स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है, पिंपल सारे खत्म हो गए। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम मूव कर गए अपना लंच की तरफ, जो कि था शुद्ध शाकाहारी खाना, क्योंकि ये जो फॉल्स है इसके पास एक रिलीजियस प्लेस भी है, इसलिए खाना हमने वेज ही खाया और हम मूव कर गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बिल्कुल खाया मैंने स्पून के साथ, सब लोगों ने हाथ से खाया, बट मैं क्योंकि चावल नहीं खा पाता हूँ, दैट्स व्हाई आई ट्राइड। सो नाउ वी आर हेडिंग ऑफ टू आवर एयरपोर्ट, पेट भर के खा लिया शुद्ध शाकाहारी खाना मस्ती से, और हम चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था यर्काउड, और ये था वो मार्क 70x70 का हेयर पिन बेंड्स का, जहाँ मैंने और मनी सर ने ये एपिक फोटोग्राफ लिया, और उसके बाद हम चल दिए अपने ग्रुप के साथ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो हमारा डेस्टिनेशन अब था नेक्स्ट यर्काउड, सो उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। Till then, stay tuned and wait for the next episode of Yercaud Rides.